दुर्घटना घटी है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है। 7 नौजवान हमारे बीच से चले गए। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि एक बच्चे के अलावा किसी की जान नहीं बची। ऐसी दुर्घटना के सुनने मात्र से पूरे शरीर में कंपन होता है, सिहर उठता है शरीर। उसके परिवार पे क्या बीती होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नौजवान बच्चे थे, माँ बाप की आस थे, बुढ़ापे की सहारा थे, मालिक ने उनको उनसे छीन लिया। ऐसी दुख की घड़ी में हम सब उस परिवार को संबल देने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना लागू की है, उसमें जो मुआवजा उनको मिलना है वो उनका अधिकार है, राज्य सरकार की योजना है। इसके अलावा भी समाज ने मुझे यहाँ अवगत कराया है, स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया होगा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की होगी। और मैं कल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के साथ रहूँगा। पूरी घटना को वैसे मैंने जानकारी दे दी थी, लेकिन इस परिवार को कैसे आर्थिक संबल और राज्य सरकार की तरफ से दिया जा सके, मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया जा सके, इसके लिए हम कल बात करके पूरा प्रयास करेंगे। और मैं इस उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग और आर्थिक संबल दे करके इस परिवार को सहारा देने का काम करेंगे। उन बच्चों को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस परिवार में आगे का जीवन उनके माँ बाप का कैसे कटे, उसके लिए हम लोग भविष्य को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे। यही बात मैं कहते हैं।